हेलो गाइस, फन टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपकी यादें ताजा करने के लिए हम आज यहाँ पे आए। संध्या जी, सूर्य वॉच है जो कॉमनवेल्थ 2010 में बना हुआ था, जो ये घड़ी सूरज की ओर से चलती है। जैसे कि जब इस पर छाया पड़ती है ना, तो आपको पूरा टाइमिंग दिखाती है। इसके बाद आप वो देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसके बारे में दिखा देंगे सारी चीज़, उसके बारे में दिख जाएगी आपको। आप चलते हैं, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से काम करती है। चलेगा इसे हम बताते हैं आपको। जो इसका निर्माण हुआ है सूर्य घड़ी का, ये पूरी तरह से कांसे की बनाई गई है, और जो इसकी लंबाई है 12.5 मीटर की लंबाई है, और जिसकी ऊंचाई है उसकी 24 मीटर ऊंचाई है, 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी है वो इतिहास को जान सके कि हमारे इतिहास में किस तरीके से समय को ज्ञान के रूप में देखा जाता था, उनको ज्ञान हो कि हमें हमारे समय को किस तरीके से देखा जाता था। ठीक गाइस, आजकल क्या होता है कि ना ज़्यादातर हमारे आसपास सारी डिजिटल सब चीज़ें हैं। घड़ी आपकी डिजिटल होगी क्योंकि हमारे टाइम पे भी डिजिटल चीज़ थी सारी, मतलब आपकी घड़ी थी। और जो ये घड़ी है ये सारी धूप से चलती है। जैसे कि जब धूप पड़ती ना, अगर जब जैसे कि आप आसमान पूरा खाली पड़ा है, एकदम साफ पड़ा है, उसके बाद आपको उसका पता चल जाएगा कि क्या टाइम दिखाती है आपको, क्या किस तरह टाइम दिखाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात और है इसकी, जो हमारे प्राचीन काल के इतिहास में सिक्के पाए जाते थे उसको लेके उसके ऊपर दर्शाया गया है, उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तरीके तरीके आपने भी देखा होगा, विभिन्न प्रकार के सिक्के पाए जाते थे पहले, उसको लेकर इसको दर्शाया गया है। उन्हीं धातु को उन्हीं में मिश्रण करके उसी से इसको बनाया गया, और जो कि एक्सपीरियंस जो इंजीनियर होते हैं ना, उनसे बना, उनके द्वारा बनाया गया, कुशल कारीगरों को यहाँ पे बुलाया गया था इसको बनाने के लिए, जो टॉप कारीगर होते हैं, उन्होंने फिर इसका निर्माण किया 2010 में। और गाइज, आप देख सकते हो जो कि ये जो आपका पूरा चेहरा है, ठीक है, ये पूरा कॉमनवेल्थ के ऊपर बनाया गया, और पूरी जो ये जो जा रही लाइन पूरी, ये आपकी पूरी घड़ी है, जो किसी सूरज पड़ने पर, सूरज की किरणें पड़ने पर ये आपको पूरा नीचे दिखाएगा। क्योंकि ये देखिए पूरा सर्कल हो रखा है, इस सर्कल के हिसाब से दिखाएगा आपको क्या टाइमिंग हो रहा है, क्योंकि पूरा परफेक्ट टाइम नहीं दिखाएगा आपको, बस थोड़ा आगे पीछे फर्क होगा, उस तरह का टाइमिंग दिखाएगा आपको। पर गाइस, यहाँ पे बहुत लोग कम आते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे लोगों को मतलब आ सकते हैं, फोटो वोटो खिंचा सकते हैं, पर यहाँ खेलना कूदना सब मना है। और गाइस, मैं बताता हूँ वो सूर्य घड़ी क्या है। सूर्य घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो आकाश में सूर्य की स्थिति के द्वारा समय का ज्ञान दर्शाता है। समतल भूमि पर सूर्य घड़ी द्वारा के छाया के द्वारा हम समय का पता लगा सकते हैं।